काबुल से भारतीयों को लाने की मुहिम जारी, 85 भारतीयों को लेकर लौट रहा है वायुसेना का विमान। तजाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए विमान की लैंडिंग, वायुसेना के विमान C-130J का इस्तेमाल। अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ उठी आवाज, पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्ला खान के समर्थकों के साथ तालिबानियों की झड़प। तालिबान की वेबसाइट ऑफलाइन, इसी वेबसाइट से तालिबान देता था आधिकारिक संदेश। पाकिस्तान के तालिबान से बढ़ी नजदीकी, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल जाएंगे काबुल। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी हालात नहीं सुधरे, अफरा तफरी से लोग बेहाल। भीड़भाड़ में एक छोटी बच्ची की गई जान, रोते दिखे परिवार के लोग। अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी को लेकर नई खबर, तालिबान के साथ आने की जानकारी। हक्कानी से मुलाकात के बाद तालिबान के साथ आने की खबर, तालिबानी नेता खलीलुर रहमान और मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी मिली शपथ। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात, बच्चों को गोद में लिए और पानी पिलाते दिखे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों पर बगलान प्रांत में कड़ी चोट, 3 जिलों को कराया आजाद। तालिबान के कब्जे से निकला बगलान प्रांत का पुले हेसर, देहे सलाह और बानो जिला, लहराया अफगानिस्तान का झंडा। तालिबानी आतंकवादियों के साथ स्थानीय लड़ाकों की जबरदस्त जंग, कई तालिबानी ढेर। अफगान नेता के दावे को तालिबान ने किया खारिज, कहा कब्जे से नहीं निकला कोई भी जिला। पंजशीर घाटी के करीब है पुले हेसर जिला, पंजशीर बना हुआ अफगान प्रतिरोध का केंद्र। तालिबान पर 3 दिन में दूसरी बार बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा किसी भी हमले का देंगे करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडेन बोले अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का आ गया था वक्त। सभी नाटो देश की सहमति से अमेरिका ने लिया फैसला, फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन से भी कहा हमने की बात। काबुल में इस वक्त 6,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद, बोले बाइडेन तालिबान से खतरनाक अलकायदा और आईसिस। तालिबान से रिश्ते पर बदले ब्रिटेन के सुर, पीएम जॉनसन का बयान, अगर जरूरत पड़ी तो साथ करेंगे काम, कहा अफगानिस्तान के समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध। काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी में बिछड़ गया परिवार, 2 महीने के बच्चे के साथ अलग हो गए पिता। तुर्की स्थानिकों ने की बच्चे की मदद, सुरक्षित इलाके में लाकर सफाई और दूध का किया इंतजाम। अफगानिस्तान के पहले मेयर ने कहा लोग बैंकों की तरफ भाग रहे, हालात को लेकर खौफ, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। काबुल में झारखंड के बोकारी जिले का एक लड़का फंसा, परिवार ने लगाई वतन वापसी की गुहार। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के परिवार को बेटे के लौटने का इंतजार, अमेरिकी सेना के साथ काबुल से निकलने के बाद फिलहाल कतर में। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी। राल के जंगलों में हुई मुठभेड़, 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। मारे गए आतंकवादियों में से एक वकील शाह, बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या के मामले में आरोपी है। इटावा जेल परिसर में फायरिंग, डिप्टी जेलर जान बचाने के लिए घर के अंदर कमरे में छिपे। डिप्टी जेलर सैयद एसएच जाफरी के घर की दीवारों और दरवाजों पर गोलियों के निशान, पहले भी हो चुका है हमला। मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 बहनों को किया गया सम्मानित, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास। उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व फौजियों को किया सम्मानित। कर्नाटक के हम्पी दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति, विरूपक्षा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कोरापुर पहुंचे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वर्कआउट करते दिखे, वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल की जन आशीर्वाद यात्रा, गुवाहाटी में शानदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंची, मंदिर में पूजा पाठ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली पुलिस को हथियार बनाकर 15 लोगों के खिलाफ साजिश की योजना। सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर पर बोफोर्स की तैनाती, सेना के मुताबिक मिनटों के अंदर बोफोर्स एक्शन के लिए तैयार। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता के घर फेंका गया बम, 3 बाइक सवार कैमरे में कैद। पीलीभीत में यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। पुलिस ने काले झंडे दिखाने वाले किसानों पर की कार्रवाई, 52 नामजद और 12 अज्ञात सिख किसानों के खिलाफ FIR दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाले रेप पीड़ित के दोस्त की मौत, पीड़ित की हालत गंभीर।
पीड़ित ने रेप का आरोपी सांसद के अलावा यूपी के कई छोटे बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप। लड़के ने किया फेसबुक लाइव। मुजफ्फरपुर में महीनों बाद खुला स्कूल, नाव पर आ रहे हैं बच्चे। गाजियाबाद में बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, भारत सिटी सोसाइटी से भरा पानी। पास की अंबेडकर कॉलोनी में भरा था पानी, सोसाइटी की दीवार गिरने के बाद हादसा। गाजियाबाद के विजयनगर में भी बारिश के बाद बुरा हाल, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के प्रहलादपुरी अंडरपास को किया गया बंद, 6 से 7 फीट तक भरा पानी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के पास पुल के नीचे पानी भरा, रिक्शे वाले पार कराने के लिए ले रहे हैं 20 रुपए। हिंगोली में औरंगाबाद जाने वाले हाईवे पर हादसा, पलट गया कंटेनर। एक युवक और 40 भेड़ों पर गिरा कंटेनर, कुचल जाने की वजह से सबकी मौके पर ही मौत। अलीगढ़ में नशे में धुत शख्स ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। पंचकुला में सीवेज पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत। अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 40 किलो हेरोइन जब्त। दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आजादपुर के पास 1.5 फीट तक भरा था पानी। दिल्ली में मिंटो ब्रिज अंडरपास में भरा पानी, रोका गया था ट्रैफिक। आईटीओ चौराहे के पास भी सड़क पर जमा हो गया था पानी, जलभराव से परेशानी। तेज हवाओं के साथ हो रही थी जबरदस्त बारिश, सड़क से लेकर बस स्टैंड पर भरा पानी। प्रगति मैदान के पास भी सड़क पानी पानी, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के लाजपत नगर में सड़कों पर दरिया जैसे हालात, पानी में गाड़ियों का वहां से निकलना मुश्किल। कई जगह पर फंस गई गाड़ियां, पानी में खड़ी दिखी डीटीसी की बस। दिल्ली के तिलक ब्रिज अंडरपास से गुजरना हो गया है खतरनाक, तालाब जैसा है मंजर। दिल्ली के रोहिणी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, निकासी के इंतजाम सही नहीं होने से दिक्कत। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग का भी बुरा हाल, लगातार बारिश की वजह से भरा है पानी। दिल्ली के पौश इलाके भी पानी से लबालब, ग्रेटर कैलाश में जलजमाव। दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग पर जमा हुआ पानी, ट्रैफिक रफ्तार थमी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में भी चारों तरफ पानी, मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल। दिल्ली के एमबी रोड इलाके में भरा पानी, किनारे की दुकानों तक दरिया जैसा मंजर। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आसपास इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने लगातार बारिश का जताया है अनुमान। नोएडा में जगह जगह जलभराव, सड़कें तालाब जैसे दिखी। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास भरा पानी, पानी निकासी के दावों की खुली पोल। फरीदाबाद में भी बारिश बनी आफत, नेशनल हाईवे और बस स्टैंड तक सब जगह जलभराव। रिहायशी इलाकों में सीवर जाम, गलियों में 2-2 फीट तक जमा है पानी। हल्द्वानी अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़, यात्रियों ने भागकर बचाई अपनी जान। नेशनल हाईवे 58 पर देवप्रयाग के करीब भी लैंडस्लाइड, रास्ता हो गया है बंद। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास भारी भूस्खलन, सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर। नैनीताल के रास्ते में भी बड़ा लैंडस्लाइड, वीरभट्टी के पास हादसा। मलबे की चपेट में आते आते बची बस, बच गई 14 यात्रियों की जान। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर ट्रक का ब्रेक फेल, 16 गाड़ियां जा टकराई। उज्जैन की शिप्रा नदी उफान पर, नदी के घाटों पर सभी मंदिर पानी में डूबे। नदी पर होमगार्ड के सभी जवान तैनात, लोगों से घाटों पर नहीं आने की अपील।
अयोध्या में बाढ़ का खतरा घटा लेकिन कटान की जद में आने से लोगों में खौफ। उधम सिंह नगर में महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाई, युवाओं ने भैंसा यात्रा निकाली।